हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जॉब अपडेट के बारे में जिसके लिए फ्रेशर्स एलिजिबल है, ठीक है। तो गाइस यहां पर ये एक एमएनसी कंपनी रहने वाली है और इसका नाम है फ्यूचर्स फर्स्ट। तो गाइस अगर यहां पर आपका अगर सिलेक्शन होता है, आपको हायर कर लिया जाता है, यहां पर आपको बहुत से पर्क्स एंड बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। गाइस यहां पर हम इस वीडियो में दो जॉब अपडेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है फुल स्टैक डेवलपर इंटर्न की, ठीक है, जिसके लिए इन्होंने स्टाइपेंड रखा है 40,000 पर मंथ का। गाइस ये एक इंटर्नशिप है जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ्स का रहने वाला है। और गाइस जो दूसरी जॉब प्रोफाइल है वो रहने वाली है मार्केट एनालिस्ट ट्रेनी की, ठीक है। यहाँ पर गाइस इन्होंने सैलरी या स्टाइपेंड मेंशन नहीं किया है। तो गाइस यहाँ पर हम इस जॉब अपडेट के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज अगर आप एक फ्रेशर हैं एंड लुकिंग फॉर ए जॉब, यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। यहाँ पर हम आ चुके हैं फ्यूचर्स फर्स्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योर योर फ्यूचर, ज्वाइन फ्यूचर्स फर्स्ट, ठीक है। नीचे आएंगे व्यू ओपन पोजिशंस, इनको बाद में देखेंगे। और यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर, ओके। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा है बी योर ओन बॉस, नो पॉलिटिक्स, योर परफॉर्मेंस डिटरमाइंस योर सक्सेस, कॉम्पनसेशन, ठीक है। और ग्लोबल वाइल लोकल, कॉन्स्टेंट लर्निंग, यहाँ पर आपको गाइज सीखने का मौका मिलेगा। वर्क इन्वायरमेंट इनका अच्छा है लिखा, बेस्ट ऑफिस, बेस्ट कल्चर, बेस्ट एटमोसफेयर एंड बेस्ट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। नीचे आएंगे गाइज ओवर सक्सेस फैक्टर्स, इनके क्या क्या सक्सेस फैक्टर्स है, ठीक है। इन्होंने लिखा है क्रिएटिव, क्यूक थिंकर्स और कंपिटिटिव, फोकस्ड, एनालिटिकल और सेल्फ ड्रिवन, स्ट्रॉन्ग क्वांटिटेटिव स्किल्स, ठीक है। ये सभी चीज़ें मेंशन की हुई है। वी मेक इट हैपन, तो गाइज इन्होंने लिखा है वी बिलीव दैट यूनिक टैलेंट कैन बी फाउंड एनीवेयर, ठीक है। जो यूनिक टैलेंट है वो कहीं भी गाइज पाया जा सकता है। टू रीच ऑल द पोटेंशियल आउट देयर, ओवर HR टीम इज कॉन्स्टेंटली एंड एक्टिवली सर्चिंग फॉर द राइट पीपल एट ऑल लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, ठीक है। वी फाइंड आवर पीपल थ्रू, तो गाइज यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिनसे ये कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। फर्स्ट इनका है कैंपस रिक्रूटमेंट, तो कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू ये कैंडिडेट्स को हायर करते हैं जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको। ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू भी ये कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। इसके अलावा इंटर्नशिप के थ्रू भी गाइज यहाँ पर जो कैंडिडेट्स से उनको हायर किया जाता है, जो फ्रेशर्स से उनको हायर किया जाता है। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड मार्केट एनालिस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको भी हायर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फ्यूचर्स फर्स्ट अकेडमी, इनकी गाइस एक अकेडमी है जिसके थ्रू गाइस ये हायर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंस एंड डेरिवेटिव से रिलेटेड कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। उन कोर्सेज को आप करके अपने आप को आप स्किल कर सकते हैं और बाद में गाइस इस कंपनी को ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है। वेटिंग लीड्स नावेयर अप्लाई टुडे, ठीक है। तो गाइस इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में लिखा है, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है। पहला इन्होंने लिखा है रिटर्न टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न टेस्ट रहेगा जिसमें आपकी एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज को असेस किया जाएगा, ठीक है। और गाइज यहाँ पर व्यू एंड अटेम्प्ट सैंपल टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर सैंपल टेस्ट भी है, क्लिक हेयर पर आप क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर आपको एक सैंपल टेस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिखा द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 60 क्वेश्चंस आएंगे टेस्ट में। यू विल हैव 30 मिनट्स टू कम्प्लीट द क्वेश्चंस, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इट इज अलाउड टू स्किप और गो बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, आप क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो और पहले वाले क्वेश्चन पर भी जा सकते हो। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर्स मोबाइल फ़ोन इज नॉट परमिटेड, कैलकुलेटर्स और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए एनालिटिकल रीजनिंग है, ठीक है। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर इन्होंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बैक आएंगे, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो इनका रहेगा वो रहेगा इंटरव्यूज़, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर द रिटन टेस्ट अपियर फॉर अप टू 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज विद आवर बिजनेस मैनेजर्स, HR मैनेजर्स एंड एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरव्यूज़ के 3 राउंड होने वाले हैं, बिजनेस मैनेजर्स के साथ होंगे, HR मैनेजर्स के साथ और एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट्स के साथ,
ठीक है, इन्होंने लिखा द पर्पस ऑफ द इंटरव्यू इज टू अंडरस्टैंड योर गोल इन लाइफ, गेट टू नो यू बेटर एज ए पर्सन, फाइंड आउट हाउ यू एसिमिलेट इंफॉर्मेशन एंड हैंडल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। ठीक है, ये सभी चीज़ें मेंशन की हुई है। इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट यू मे फेस, फिट क्वेश्चंस, ठीक है, हाउ डू यू ऑपरेट अंडर प्रेशर, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरव्यू में। मार्केट साइजिंग क्वेश्चंस, जैसे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बसेस इन दिस सिटी, ठीक है, और बिजनेस इंट्यूशन, विच ऑनगोइंग इवेंट डू यू थिंक कुड हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल मार्केट्स, और पजल प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर है ऑफर, यहाँ पर आपको ऑफर दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद द मोर वी ट्रेन द फिटर वी गेट, ट्रेनिंग भी यहाँ पर आपको दी जाएगी, ठीक है, ये सभी चीज़ें मेंशन की हुई है। तो गाइज यहाँ पर व्यू करंट ओपनिंग्स एंड अप्लाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंगलुरु के लिए यहाँ पर कोई ओपनिंग नहीं है, उसके बाद जयपुर में भी कोई नहीं है, गुरुग्राम में गाइज यहाँ पर दो ओपनिंग है, रिसर्च एनालिस्ट ये एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए है, और फुल स्टैक डेवलपर इंटर्नशिप, ये गाइज इंटर्नशिप है, यहाँ पर आप रीड मोर एंड अप्लाई पर क्लिक करेंगे। ओके, तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं फुल स्टैक डेवलपर इंटर्नशिप, ठीक है, यहाँ पर लोकेशन गुरुग्राम है। ओके, पोजीशन समरी है गाइज यहाँ पर, वी आर लुकिंग फॉर अ प्रोएक्टिव फुल स्टैक डेवलपर इंटर्न टू ज्वाइन आवर डायनेमिक क्वांटिटेटिव एंड एल्गोरिथम ट्रेडिंग टीम, ठीक है। उसके बाद दिस रोल प्रेजेंट्स एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अ पैशनेट डेवलपर टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ड्राइविंग ओवर क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोफाइल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, गाइज आप अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है एज ए फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, स्किल सेट में गाइज यहाँ पर आपको रिएक्ट एंड रिडक्स आना चाहिए, और यहाँ पर प्रॉप्स, हुक्स, कंपोनेंट्स, रूटिंग, ईटीसी और कॉन्सेप्ट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, पाइथन भी आना चाहिए, और यहाँ पर गाइज डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क इज़ ए प्लस, अगर आपको इनमें प्रोफिशिएंसी है तो ये प्लस है आपके लिए, ठीक है। और इसके अलावा गाइज यहाँ पर और चीज़ें मेंशन की हुई है, ठीक है, पोस्ट GRE, SQL, MySQL, ये सभी चीज़ें आनी चाहिए, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं गाइज। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने स्टाइपेंड मेंशन किया है, 40,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड गाइज मिलेगा, ठीक है। ड्यूरेशन इस इंटर्नशिप का 6 मंथ्स का रहेगा, इन्होंने लिखा है दिस इंटर्नशिप ऑफर्स एन एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी फॉर ए ड्रिवन इंडिविजुअल टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन अ फास्ट पेस्ड एंड स्टिमुलेटेड इन्वायरमेंट। इफ़ यू आर एंथोजियास्टिक अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड एगर टू कंट्रीब्यूट टू ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स इन द फाइनेंस इंडस्ट्री वी इनक्रेज यू टू अप्लाई, ठीक है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। हैदराबाद के लिए देख सकते हैं, हैदराबाद में गाइज मार्केट एनालिस्ट ट्रेनी, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं हैदराबाद लोकेशन रहेगी आपकी, पोजिशन समरी है, ठीक है, और इसके अलावा जो प्रोफाइल है आप पढ़ सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक डिग्री एजुकेटेड और इक्विवेलेंट, ठीक है, और गाइज यहाँ पर प्रेफरेबल एजुकेशनल स्ट्रीम्स, अगर गाइज आपने कॉमर्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रेफर किया जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, फ्रेशर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको गुड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस इन फ्यूचर्स मार्केट्स एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इज एसेंशियल। स्किल सेट में देख सकते हैं न्यूमरेट, ग्रेट एट मैथ, तो मैथ में आप अच्छे होने चाहिए, क्विक थिंकर स्पेशली अंडर हाई प्रेशर, कॉम्पिटिटिव, शार्प विद डीप इंटेलिजेंस, हार्ड वर्किंग, पैशनेट एंड ड्रिवन टू सक्सीड, ठीक है, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप गाइज 2024 में पास आउट होने वाले हो या उससे पहले, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर जुलाई 2024 है, ज्वाइनिंग मोड ऑफलाइन हो रहेगा, ठीक है। और अगर गाइज यहाँ पर आप लास्ट 1 ईयर में यहाँ पर अप्लाई कर चुके हो, ठीक है, इस कंपनी में, तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हो। तो गाइज यहाँ पर अप्लाई टू द पोजिशन, आपका सरनेम आएगा, फर्स्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, होम टाउन, होम स्टेट जो आपका होगा वो सर्च कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यू आई डी गाइज यहाँ पर ये रहेगी कि आपको अपने नेम के फर्स्ट 2 लेटर के साथ
लास्ट फोर डिजिट ऑफ योर आधार लिखने होंगे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है। उसके बाद एजुकेशन, कॉलेज नेम, ठीक है, आपका जो भी कॉलेज है, अगर इनमें मेंशन नहीं है तो यहाँ पर आप सबसे नीचे अदर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कॉलेज नेम आ जाएगा, डिग्री, और डिग्री में देख सकते हैं गाइज यहाँ पर बीटेक, बीकॉम, बीई, बीएससी, बीए, बीबीए, एमटेक, एमएससी, एमएससी डबल डिग्री, एमएससी इंटीग्रेटेड, एमबीए, पीजीडीएम, एमकॉम, अदर, सीए, बीटेक प्लस एमटेक डबल डिग्री इंटीग्रेटेड, एमसीए, बीसीए, बीआर्क, सीफीए, ठीक है। तो यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे, स्पेशलाइजेशन चूज़ कर लेंगे, स्कोर, वर्क एक्सपीरियंस, फ्रेम वर्क एक्सपीरियंस, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट फ्यूचर्स फर्स्ट, कहाँ से पता चला, तो गाइज यहाँ पर आप कैंपस, वेबसाइट, लिंक्डइन, फ्रेंड्स या अदर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सीवी अपलोड करना होगा, उसके बाद अप्लाई टू पोजीशन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सिमिलरली आप दूसरी प्रोफाइल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। गाइज ये थी जॉब अपडेट्स जिनके बारे में हमने बात की है। सो गाइज अगर आप एक फ्रेशर है और एक जॉब सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइज ये एक एमएनसी कंपनी है, यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। तो गाइज यहाँ पर आपको सैलरी पैकेज के साथ साथ अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी थॉट्स एंड क्वेश्चंस फील फ्री टू ड्रॉप देम इन द कमेंट्स बिलो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर हेल्पफुल कॉन्टेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।